वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टेक्सचर प्रिंटिंग बच्चों के लिए कुछ टेक्सचर प्रिंटिंग कैसे होगा, पेंटिंग होगा, उसके लिए यहाँ वीडियो बना रहे हैं। उसके लिए आपको एक पेन, प्लेन पेपर नहीं तो ड्राइंग कॉपी चाहिए, और आसपास मिलने वाली ऐसे पत्ते लीफ्स जो है, देखिए ये आसपास बढ़िया से मिल जाएगा, ऐसे लीव्स चाहिए, और वाटर कलर्स चाहिए, पेंट ब्रश चाहिए, कुछ पानी चाहिए। उसके लिए बच्चों को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए आज हम उनको टेक्सचर पेंटिंग सिखाएंगे। पहले बीम प्रिंट करने से पहले हम ब्रश को होल्डिंग करके बच्चों को सिखाएंगे कि ऐसे प्लेट में रखें। ब्रश जो लीफ है, पहले फर्स्ट लीफ्स को ऐसे कलर करें। ध्यान रखिए बच्चा, जैसे उसको प्रोवोक कीजिए कि वो पूरा लीफ को कलर करते रहे। उसके बाद लीफ को धीरे से लाके इस पेपर के ऊपर ऐसे रखना है। फिर नेक्स्ट जो लीफ है उसको भी लेना है, ब्रश को क्लीन करके। हर बार ब्रश यूज करने से पहले ब्रश को क्लीन करना जरूरी है। और एक कलर लेके लीफ के ऊपर, ये एक्टिविटी के लिए, जैसे देखिए जिस लीफ का वेनेशन ऐसे उभरा हुआ होता है वो अच्छा रहता है, वो लीफ एक्टिविटी, ये जो लीफ प्रिंटिंग के लिए, टेक्सचर प्रिंटिंग के लिए, उससे क्या होता है उभर के आता है प्रिंटिंग। लीफ को पूरा ब्रश से कलर कर लेंगे, फिर इसको उसे पेपर के ऊपर रख के आराम से छाप देंगे। नेक्स्ट और कोई लीफ को लेके ब्रश को क्लीन करने के लिए बोलिए बच्चे को। फिर और एक कलर से उसको लीफ को पेंट करने के लिए पहले बोलिए। जब लीफ पूरा कलर हो जाएगा फिर उसको चीजेगा। इसमें क्या होगा, बच्चे को ये चीज पता होगा कि लीफ पत्ते अलग अलग शेप के होते हैं, और उसको ये टेक्सचर पेंटिंग करने में अच्छा भी लगेगा और उसका टाइम भी अच्छे से स्पेंड होगा। इसे अलग अलग लीफ लीजिए, जैसे रोज का हो गया, हिबिस्कस का हो गया, गुआवा का हो गया, आसपास सब कुछ मिल जाते हैं बढ़िया से। बच्चों को साथ में लेके कलेक्ट कीजिए। लीफ ऐसे पूरा कलर जब हो जाएगा, रोज का लीव ये कॉम्प्लेक्स लीव होता है, इसलिए बच्चे थोड़े से बड़े हो 4 to 5 ईयर के तभी अच्छे से कर पाते हैं। हमारे जो छोटे 2 to 3 ईयर बच्चों के लिए सिंगल लीफ, सिंपल लीफ होना जरूरी है। हैंड प्रैक्टिस थोड़ा सा हो जाएगा बच्चों को, तभी
हम उनको कंप्लीट स्लिप दे सकते हैं करने के लिए। फिर उसके बाद ब्लैक स्केच से चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन बना दीजिए। और उसके ये इससे बॉर्डर लगाने के बाद बच्चों का नाम यहाँ पे लिख के उसको फ्रेम करके वॉल में लगाइएगा। ऐसे नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।